लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। संगीत क्यों बंद कर दिया भैया? इसलिए कि इस शोर से मेरी पूजा में बाधा पड़ रही है। बाधा पड़ रही है या फिर पूजा में मन नहीं लग रहा? छोड़ो ये पूजा पाठ का नाटक भैया, ये लो इसे पी लो। लो, अरे भैया शर्माओ मत, ले लो ना, ढोंग करते हो फिजूल का, लो पी लो। चलो, शर्मानी चाहिए तुझे। कल तक तो तू सिर्फ बाजार जाता था, मगर आज पिताजी घर में नहीं है तो तू बाजार घर में ले आए। तू इस घर को अपवित्र कर रहा है जगन, जिसे आज तक पिताजी ने मंदिर की तरह पवित्र रखा है। पवित्र मंदिर, पूजा, भगवान, मैं जानता हूं ये सारे बड़े बड़े शब्द तुमने तोते की तरह रट रखे हैं भैया। इन्हें सुना सुनाकर पिताजी को खुश कर सको, उनकी नजरों में अच्छा बन सको, भला बन सको, ताकि वो मुझसे नफरत करें, मुझे बुरा समझे। इंसान अपने कर्मों से भला बुरा बनता है जगन भाई। ये महफिलें, ये शराब, ये बाजारू औरतें, ये सब बुरे आदमियों के काम है। जगन तू भी इस घर की मर्यादा को मान, धर्म कर्म कर, छोड़ दे ये सब कुछ। चल आज मेरे साथ, चल चल के पूजा कर। मैं इन ढकोसलों को नहीं मानता, नहीं चाहिए मुझे तेरा ये पूजा पाठ। पिताजी, शाबाश बेटे, आज तूने इस पूजा की थाली को ठोकर मारकर अपने नास्तिक और कमीनेपन का आखिरी सबूत दे दिया है। लेकिन भैया को क्या हक था मुझे सबके सामने जलील करने का? इनके सामने जो खुद जलील है। पिताजी, ये हमारा घर है और मैंने इस घर का नाम धर्म निवास इसलिए रखा है कि दरवाजे पर लगा पत्थर मेरे बच्चों को हमेशा याद दिलाता रहे कि यह जगह कितनी पवित्र है और यहां के रहने वालों को क्या होना चाहिए। लेकिन तू इन बातों को नहीं समझेगा, ना समझ, नहीं समझेगा, इसलिए तू चला जा यहां से हमेशा के लिए। आज के बाद धर्म निवास के साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं। ये घर मैं भरत और उसके बच्चों को देता हूं। सोच लीजिए पिताजी, अगर आपने मेरे साथ ना इंसाफी की तो बहुत बुरा होगा। तू मुझे धमकी दे रहा है? नहीं, चेतावनी दे रहा। अगर आपने एक बेटे का हक छीनकर दूसरे को दिया तो यहां भी भाइयों के बीच वही होगा जो महाभारत में हुआ था। महाभारत में धर्म की विजय हुई थी बेटे, और यहां भी होगी। अब तो कुछ भी कर ले, लेकिन धर्म निवास का एक टुकड़ा भी तुझे नहीं मिलेगा। तो फिर मैं धर्म निवास के ही टुकड़े कर दूंगा। हराम खोर, आज के बाद मैं तेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। निकल जाओ यहां से, अभी के अभी निकल जाओ। पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? जगन को नाटक मत कर कमीने, तूने जो साजिश की है उसका बदला मैं लेकर आऊंगा। तुझे और तेरे बच्चों को बर्बाद कर दूंगा मैं। आज का दिन, और मेरी बात याद रखना पिताजी, मैं इस धर्म निवास को
अधर्म निवास बनाकर रहूंगा। बकरा नवा है, ले पकड़, मैं टैक्स वसूल करके आता हूं। ये बिड़ो आया का चाहिए? टैक्स। काय का टैक्स? नवा नवा माखन दादा की बस्ती में आया है क्या? टैक्स तो देना पड़ेगा। ये बिड़ू लोग टैक्स वसूल करो इससे। हाँ तो आप बता छोरे, टैक्स दूं या मारूं? मार ले, लेकिन अच्छी तरह से सोच ले बिड़ू, मरे हुए को मारने में क्या फायदा। माखन दादा, माखन दादा, अब है पूखने का है, साड़ी बस्ती में आकर साडे गुंडों के साथ गुंडागर्दी करता है। ओ आगे ना वदी, आगे ना वदी, जानता नहीं कि मेरा नाम क्या है? मक्खन दादा, मक्खन दादा। ओए साड़े मक्खनों के आग से खिलवाड़ करता है। ओए ओए तू जानता नहीं कि तू किससे बात कर रहा है? मक्खन दादा, मक्खन दादा, जेल जा चुका हूँ खून करने की वजह से। ओए थारी मक्खन का, तू अस्पताल जावेगा ओए लहू बहने की वजह से। माय बाबा, गाय को सबके सामने मेरी लुंगी उतारता है, यहाँ पर मेरी बहुत बड़ी इज्जत है, बहुत बड़ा दादा हूँ, लेकिन अंदर से कुछ नहीं हूँ। देख मैं भी तेरे को दादा बनने की तरकीब बताता हूँ, जिंदगी भर कोई काम नहीं करना पड़ेगा, फोकड़ दी दारू पीनी पड़ेगी। ओए हम दारू नहीं पीते, ओए लस्सी पीते हैं। लस्सी? लस्सी? वाहेगुरु तेरी लीला परंपार है, चरस अफीम गांजा वाली इस बस्ती में आज 10 साल के बाद एक लस्सी पीने वाला नौजवान आया है। और 10 साल पहले कौन आया था? मैं, मेरा असली नाम है मक्खन सिंह लस्सी वाला। वो की होया, पेट दी पट्टी भी जिदो उख दी अग लगी ना, तो सारी लस्सी दारू बन गई। हाँ, तो छोरा फिर के होया? अरे के होना है, मैं भी तेरे जैसे गांव छोड़ शहर आया था जी, बिग मेहंदी लालटन बनने। जितना रुपया था थोड़े दिनों में खत्म हो गया, उसके बाद की होना है, मैं भुखा प्यासा कदी इधर कदी उधर, नौकरी तो मिली नहीं। हाँ उसी टाइम बिच पुलिस नु एक खूनी की तलाश थी मोड़रोर की, उन्होंने कोई मिलिया नहीं, मेरे को पकड़ के ले गए। क्या की पुलिस वाले नु ऊपर वाले को जवाब देना पड़ता है ना, खून में किता नहीं सी, ऐश करके 2 दिन के बाद पुलिस ने मेरे को छोड़ देता। जो तो आप मोहल्ले में आया, मोहल्ले वाले डरने लग गए, क्या कि खून करके आया सी बच गया, ही गॉट सेव्ड। अरे वो डरने लग गए, मैं भी की किता मेंटेन किता कि डरते हो तो डरते रहो, मैं इधर का दादा बन गया, पर एक्चुअली की है अंदरों मेरी, समझ गए ना? ओए तू इस तरह से भाई मक्खन सिंह लस्सी वाले से मक्खन दादा बन गया, वो तो बात समझ में आती है छोरे, मगर एक बात तो बता भैये, वो तेरे को दारू बेचने की क्या जरूरत थी? इधर लस्सी बेचने पुलिस चालान करती है क्या?
अरे पुलिस चालान ना करे, इसी वास्ते रघुनाथ की शरण लेनी पड़ती है। उस साले का हुक्म है का, अगर इस बस्ती में रहना है तो दारू बेचनी पड़ेगी। ओ रघुनाथ कौन है भैयो? ये रघुनाथ वो पाप का पेड़ हैगा, जिसकी छाया सूरज के ढलने के साथ साथ बढ़ती जाती है और रात होते ही पूरे शहर को अपने अंधेरे में लपेट लेती है। ओ इस महापुरुष के दर्शन किए बिना मन्ने आज रात नींद ना आवेगी। रफीक माल पहुंचा? हाँ दादा। पैसे जमा करवाए? जी हाँ, वो भी हो गया। आज न्यू जनता में सत्ता ओपन में है। हाँ हाँ कल्याण दादा, मेरा काम अभी तक नहीं हुआ। जब उसे मजाक करता है माँ कसम थोबड़ा तोड़ दूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा दादा, मैंने मेरे बाप को मारने के लिए पैसे दिए थे पर वो अब तक जिंदा है। क्या बात करता है? उस होटल में शर्मा नाम के दो आदमी थे, तुमने गलत शर्मा को मार दिया। अरे यार साला मिस्टेक हो गया, नाम में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन तेरा बाप है ना, एक दिन ज्यादा जिंदा रहा तो क्या फर्क पड़ता है, कल तक मार देंगे उसे। खैर किस बात का है, हम लोग है ना संभालने वाले। सुनिए, आप ही रघु दादा है जुर्म के जंगल के राजा? क्यों तुम्हें कोई शक है? शेर पैदा होने के साथ ही जंगल का राजा होता है, उसके लिए उसको जंगल में इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। काम बोल। एक मंदिर से मूर्ति उठवानी है। मिल जाएगी, 2 लाख रुपया। ठीक है, ये लो। उधर जमा करा। मैं कह जी नमस्ते। कैसा है मक्खन? अरे तुन्ना तुन्ना, साड़ा दोस्त आएगा बिरजू, गांव से आया है नौकरी की तलाश में। अगर आप इसको नौकरी दे देंगे आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा क्या कर सकता है तू? बाबूजी आप जो कहो। ठीक है, कल से काम पे आ जाना। बाला इसको मोहल्ले की गोदाम की चौकीदारी पे रख देना। दादा खबर मिली है कि अपने एरिया में नया एसीपी आने वाला है। वेलकम अविनाश। थैंक यू। वेलकम सर। सर आपके बारे में बड़े किस्से सुने हैं, लेकिन सबसे अजीब बात जो सुनी है वो ये कि जब भी आपका ट्रांसफर होता है आप चार्ज लेने से पहले 7 दिन की छुट्टी लेकर कहीं गायब हो जाते हैं। ये 7 दिन आप जाते कहाँ हैं? उस इलाके में जहां का मुझे चार्ज लेना होता है। मैं कूदने से पहले पानी की गहराई देख लेता हूं। हम सच कहेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं कहेंगे। हमारा नाम चुन्नी लाल वकील। हाँ। बाप का नाम मोती लाल वकील। तुम रिश्ते बताना छोड़ो और काम की बात बोलो। ओहो, हम ताजा एसीपी के लिए नए नए एसीपी के लिए ताजा ताजा फूल लाए। जरा खबर करो, हम आए हैं। अभी बैठो, साहब चार्ज ले रहा है। इन सारी फाइलों में एक फाइल भी रघुनाथ की नहीं है। रघुनाथ? उसकी तो कोई फाइल नहीं है। नहीं, आपने बनाई नहीं शर्मा जी। क्या मतलब? मतलब मैं आपको कानून की जुबान में भी समझा सकता हूँ शर्मा साहब। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो अविनाश? जिस होटल में आपका बेटा पार्टनर है उस होटल का मालिक रघु है, और जिस जमीन पे आपका नया बंगला बन रहा है वो जमीन भी रघु की है। अविनाश एक बात याद रखना, रघुनाथ अपने दोस्तों को ही नहीं दुश्मनों को भी जमीन दे सकता है समाधि के लिए। सॉरी सॉरी, कैसे बीच में आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हम सच कहेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं कहेंगे। आपके आने की खुशी में हम और हमारे जीजा जी बहुत खुश हुए, इसलिए उन्होंने ये फूल भेजे। आपके जीजा जी कोई माली हैं क्या? हैं? माली? क्या बात कर रहे हैं आप? आप हमारे जीजा जी को नहीं जानते, जिनको सारी दुनिया जानती है, जिनके हम अखिल भारतीय इकलौते साले हैं, सेठ रघुनाथ। अबे ओ साले, अपने जीजा से जाकर कह देना कि फूलों का मौसम खत्म हो गया, अब पत्थरों की फसल आई है और उस पर ये पत्थरों की बरसात आज रात से ही शुरू हो जाएगी। अरे
सर। यस सर। इन सारे गोदामों को सील कर दो। ओके सर। लाखों का माल पकड़ा गया वांधा नहीं, साला उन लोग का आदमी लोग पकड़ा गया वांधा नहीं, लेकिन रेड पड़ने से मार्केट में अपना नाम खराब हो गया, वो साला सबसे बड़ा वांधा हो गया। मां कसम, ये एसीपी एक बार मेरे सामने आ जाए तो। कौन है? चौकीदार तू? चौकीदार नहीं, एसीपी अविनाश वर्मा। तू एसीपी है? मतलब तू चौकीदार बनकर मेरे गोदामों तक पहुंचने आया था। लेकिन असली मकसद तुझ तक पहुंचने का है। अब मेरी बात ध्यान से सुन रघुनाथ, आज के बाद अगर तूने अपने काले धंधे बंद ना किए तो जिंदगी भर के लिए जेल की काल कोठरी का मेहमान बन जाएगा। चल मस्करे छोड़, काम की बात कर। देख ऐसे भी तू यहाँ पे नया नया आया है, तू रघु की ताकत को नहीं जानता, लेकिन तू तो साला अपनी औकात को भी नहीं जानता। तू है क्या मेरे सामने? एक मामूली एसीपी? तेरे पास पाप और अधर्म की ताकत है, लेकिन मेरे पास भी धर्म और कानून की शक्ति है। चार दिन के अंदर अगर तूने अपने काले धंधे बंद ना किए तो तू बंद हो जाएगा। आज से ठीक चौथे दिन तुझे आके गिरफ्तार करके यहां से ले जाऊंगा। साला इतनी बड़ी बात बोल के गया, मुझे रघुनाथ को चैलेंज देकर गया। इसका पता लगाओ, पता लगाओ ये कहां से आया है, कहां रहता है। इल्ला मत, वरना गोली मार दूंगा। हाथ ऊपर उठाओ। अरे मादलगर, याहू! बदमाश चोरी करता है। भाभी, भाभी बचाओ, भाभी, भाभी, क्या हुआ? रास्ते में एक डाकू मिल गया था। भाई ये बड़ी मुसीबत है, पुलिस वालों के घर में खेल भी होता है तो चोर सिपाही का कोई सीधा साधा खेल नहीं हो सकता क्या? आप क्या जाने ममता देवी कि खतरों से खेलने में कितना मजा आता है, वही मजा जो कभी तूफानी समुन्द्र में तैरने वालों को आता है। किसी दिन कोई तूफानी लहर आ गई तो सारा मजा निकल जाएगा। मिल के आ रहा हूँ एक तूफानी लहर से। किससे? रघुनाथ का नाम सुना है तुमने? आज उसी के पास गया था, उसे बोल के आ रहा हूँ कि आज से चौथे दिन उसके हाथों में हथकड़ियां डाल दूंगा। उसके खिलाफ कोई सबूत मिल गया क्या? नहीं, साइकोलॉजिकल दबाव डाल रहा हूँ। चार दिन का नोटिस मैंने सिर्फ इसलिए दिया है कि वो घबराहट में कोई गलत हरकत कर बैठे और मैं उसे गिरफ्तार कर लूं। सुना है रघु बहुत खतरनाक है, आज तक जिसने भी उसका रास्ता काट वो जिंदा नहीं बचा। आपको लगता है देवी जी कि रघु जैसे गुंडे मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं? नहीं, लेकिन फिर भी डर लगता है। भगवान न करे तुम्हें कुछ हो गया तो विकी और मेरा क्या होगा? नहीं ममता, नहीं, अपने प्यार को आंखों से नहीं होठों से जाहिर करो, मुस्कुराओ। याद रखो, जिंदगी की कहानी होठों से गीत बनकर सजे तो अच्छी लगती है। बन के लबों पे सजी
सभी आंखों का पानी बनी, गीत बन के लबों पे सजी, कभी आंखों का पानी बनी, थोड़ी मैंने लिखी थोड़ी तूने लिखी, जिंदगी की कहानी बनी, ओ जिंदगी की कहानी बनी। लाया धर्म निवास की चाबी? धर्म निवास की चाबी अब नहीं मिल सकती बापू। क्या बक रहा है तू? क्या तू भूल गया कि मैंने अपने बाप और भाई के सामने सौगंध उठाई थी कि एक दिन उस धर्म निवास को अधर्म निवास बनाकर रहूंगा? अब आप इसी घर को अधर्म निवास बनाकर रहिए बापू, क्योंकि वहां पर तो अविनाश आकर रहने लगा है। अविनाश? ये अविनाश कौन है? तुम्हारे स्वर्गवासी भाई भरत का बेटा, पुलिस में असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर है, अभी अभी ट्रांसफर होकर आया। तुझे कैसे मालूम हुआ कि वो बड़े भैया का बेटा है? मुझे धमकी देकर गया है, मैंने पता लगाया तो रिश्ता निकल आया। कहीं उसे तो नहीं मालूम कि तू कौन है, किसका बेटा है? अभी तक तो नहीं मालूम, मगर मैं सोचता हूँ कि उसको जाकर सब कुछ बता दूं और अपने साथ मिला लूं। सगे चाचा का लड़का है
ना कैसे बोलेगा? नहीं, कभी नहीं। उसके पास कभी मत जाना, वो सांप का बच्चा है, जहरीला होगा, टस लेगा तुझे रघु। उससे दोस्ती करने की कभी मत सोचना बेटा, बदला लेने की सोच। आपका बदला मेरा बदला, सर कुचलते उसका, खत्म करते उसको बेटा। फिर उसके बाद तुझे कोई खतरा नहीं रहेगा, कोई खतरा नहीं रहेगा। बोल, करेगा ना तू, करेगा ना मेरे लिए? रघु, मुझे मुझे धर्म निवास चाहिए बेटा, धर्म निवास मुझे दे दे। ओए जुगनी जावड़ी कलकत्ते, ओ जिथे इको रोटी पके, ओ मिया खाए ते बीवी तके। ओए मेरे अब जुगनी कहंदी सी ते ना प्यो दा लेंदी सी। अरे तुन्ना 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 तुन्ना। बिरजू, मुझे पता था तेनू रघु का अड्डा दिखा के मैं बड़ी वड्डी गलती कीती। आ गया ना तू रघु के जाल में। वाह भाजी वाह, सूट देखो। चुबे चुबे मेनू, वो एक कड़के फुटपाती है, हुक्म चला रहा है, वो भी मेनू मक्खन सिंह नू। ओए दसो तू है कौन पुत्र? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अविनाश वर्मा। ओए शाबाश ओए पुत्र। ओ पुत्र नहीं प्यो, वो बिग मैन जिनका गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, बाजार बाजार, बड़ा 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 नाम है। ओ मैं कदा खोते था पुत्र, तुहानू पहचाने नहीं। एक काम करो, एलो जुत्ती और कुट्टो मनु, जिन्ना कुट्टा कुट्टो, पर मैं माफ कर दो। अगर तुम मुझे पहचान लेते मक्खन, तो मैं तुझे कैसे पहचानता? मुझे कैसे पता चलता कि दुनिया जिसे बुरा कहती है वो बदनाम है, बुरा नहीं? ये आपका बड़ा पन है साहब। अरे ओ बेवकूफ, दोस्ती में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। तुसी मेनू दोस्त किया? यू आर ग्रेट साहब जी, और दोस्ती की खातर मैं अपनी जान भी दे दूंगा। फिर ऐसी बात है तो मक्खन, एक काम कर, आज से तू ये दारू का अड्डा बंद कर दे और उसके बदले में लस्सी की दुकान खोल दे। मैं भी यही चाहना बाबू जी, लेकिन रघुनाथ मन्नू जिंदा नहीं छड़ेगा। रघुनाथ का जमाना खत्म हो गया मक्खन। साहब जी। हेलो, मैं अविनाश बोल रहा हूं रघु। थोड़े ही देर में तुम्हारा आदमी तुम्हारे पास आएगा और खुश होकर कहेगा कि मुबारक हो दादा, काम हो गया। उसे इनाम मत देना, बल्कि एक जोरदार थप्पड़ मारना। बेवकूफ ने गलत गाड़ी में बम लगा दिया। मुबारक हो दादा, काम हो गया। साला कंजर, कौन सी स्कूल में पढ़ा है तू? एक बम तक ठीक से नहीं लगा सकता। हेलो, मार चुके थप्पड़। अरे अपने आदमी को थप्पड़ मारने से पहले पूछ तो लिया होता। वो गलत गाड़ी में बम लगा ही नहीं सकता था, इसलिए कि वहां सिर्फ एक ही गाड़ी थी। अब तू तीन थप्पड़ अपने मुंह पे मार, और याद रख तेरी गिरफ्तारी के सिर्फ तीन दिन बाकी रह गए। के दादा, ये टॉम किलर कहां है? आज ही हांगकांग से लौट रहा है। हाय टॉम, कैसा है? काम बोल। जान से माना है, नाम अविनाश वर्मा, एसीपी, सफेद गाड़ी नंबर MMG 1027, ठीक सुबह 10:30 बजे ब्लू सूट में पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंचेगा। टेलीफोन की घंटी बजने वाली है, और जैसे ही आप टेलीफोन उठाएंगे आपको खुशखबरी मिलेगी। हेलो,
आपका सबसे बड़ा दुश्मन एसीपी पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने मुर्दा पड़ा हुआ है और लाश को गिद्ध खा रहे हैं। ये बजी घंटी, ये तो किसी वायलिन की आवाज आ रही है। इतना बेसुरा वायलिन कौन बजा रहा है? रघु के साथ ऐसे खेलता है जैसे बच्चा खिलौने के साथ खेलता है। इसको भी बताना पड़ेगा कि रघु भी किस मिट्टी का खिलौना है। मार डालो साले को। दादा काम हो गया एकदम फर्स्ट क्लास। टाम किलर को खत्म कर दिया। ठीक है तू घर जा। हुजूर गरीब का घर में भगवान। नमस्कार जी। टॉम किलर को किसने मारा बाला? टॉम किलर? हम किसी टॉम बम को नहीं जानते। ये कौन है? हुजूर का दोस्त है कोई? मेरे पास याद दिलाने के बहुत तरीके हैं बाला। इसुजा हुजूर ये दादागिरी है। आप कानून को हाथ में ले रहे हैं। कानून तुम्हें अपने हाथ में ले रहा है बाला। और तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि कानून का हाथ बहुत ही ताकतवर होता है। बताओ कुछ याद आया? टॉम किलर को किसने मारा? आपकी कसम हम किसी टॉम बम को नहीं जानते हैं। सारी कुर्सियों के नीचे बम है बाला और कंट्रोल मेरे हाथ में है। बोल बाला रघु कल क्या करने वाला है? आपकी कसम हमें कुछ नहीं मालूम। बताते हैं, हम बताते हैं। रघु कल नीलामी करने वाला है। एसीपी माफ करना बहन, पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। जब तक तुम्हारा भाई अविनाश जिंदा है तब तक इस धरती पर कोई दुशासन किसी द्रौपदी की इज्जत के साथ नहीं खेल सकता। आओ एसीपी आओ। सीधा टीवी पर महाभारत देखकर आ रहे हो क्या? हाँ सीधा महाभारत देखकर आ रहा हूं और ये सीख के आ रहा हूं कि औरत जानवरों की तरह पिंजरे में बंद करके बेचने की चीज नहीं। पिंजरे में तो वो जंगली जानवर होने चाहिए जो अपने चेहरे पर इंसानियत का नकाब ओढ़े रहते हैं, जैसे कि तू। तो इंसान नहीं इंसानियत के नाम पर सबसे बड़ी गाली है। डिसूजा। यस सर। अरेस्ट दिस बास्टर्ड्स और इन लड़कियों को मेरे साथ ले चलो। ये इसके खिलाफ गवाही देंगी। हम इसके खिलाफ गवाही देंगे साहब। कम Stop it, you! सर मुझे पता चला कि रघु लड़कियों का धंधा करता है। मैंने जब रेड किया सर। नाटक मत करो अविनाश। हमें खुद रघु ने फोन करके यहां बुलाया था ताकि तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सके। तुम्हारे जैसे जलील लोग पूरे पुलिस फोर्स के नाम पर धब्बा है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? एक पुलिस ऑफिसर होकर लड़कियों का धंधा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? लड़कियों का धंधा? इतना घिनौना इल्जाम मुझ पर लगाते हुए आपको शर्म नहीं आती सर? अविनाश आपको गलतफहमी हुई है। आप चाहे तो ये बात डिसूजा से पूछ लीजिए। सर मुझे ये खबर मिलने पर मैं यहाँ आया तो यहाँ पर लड़कियों का सौदा हो रहा था। मैंने इन लड़कियों को अरेस्ट किया। इनसे पूछने से पता चला कि एसीपी साहब खुद इन्हें यहाँ पर लाए थे। मैं इन लड़कियों का बयान ले रहा था कि अचानक एसीपी साहब अंदर आए और इन्होंने इस मशीन गन से इन सबको जान से मार डाला और एक भी विटनेस जिंदा नहीं छोड़ा। सर सर ये झूठ बोल रहा है। आप बाला से पूछ लीजिए। बाला मुझे यहां लेकर आया था सर।
बड़ा बता सच क्या है? साहब जी, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। जैसे ही हमसे कहते थे हम वैसा ही करते थे साहब जी। सीधी तरह बोल, बात क्या है? ये लड़कियों का धंधा कौन करता था? अविनाश बाबू, और कौन? तो तुम इनके लिए लड़कियां लाते थे? नहीं नहीं नहीं, लड़कियां ये लाते थे, हम तो कस्टमर लाते थे। चलो, ये लड़कियां बेचते थे, हमें तो कमीशन मिलती थी जी। आज जब इंस्पेक्टर डिसूजा यहाँ पर रेड करने आए तो इन्होंने लड़कियां और कस्टमर सबको खत्म कर दिया। हम बड़ी मुश्किल से बचे, बड़ी मुश्किल से। यह झूठ है सर, यह झूठ है, ये झूठ है। मैं जानती हूँ ये झूठ है। गलत इल्जाम है तुम पर, हम लड़ेंगे, सच्चाई के लिए अदालत तक जाएंगे। तमाम गवाहों के बयानात से यह साबित होता है कि अविनाश वर्मा लड़कियों का धंधा करता था। अपने इस राज के खुलने के डर से उसने उन तमाम लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया। लिहाजा यह अदालत अविनाश वर्मा को कसूरवार मानते हुए 14 साल की सजा देती है। एसीपी, बहुत लंबे सफर पे जा रहे हो ना? दोबारा मुलाकात हो ना हो, सोचा आखिरी बार मिल ही लूं। आओ बापू, तुम भी मिल लो। चाचा जी, हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये मेरा बेटा है रघुनाथ, तेरा भाई। रघु, प्रणाम करो बड़े भैया को। प्रणाम बड़े भैया। अविनाश, ये लड़ाई जिसमें तू हारा है, ये कोई चोर पुलिस का झगड़ा नहीं था। असल में यह युद्ध महाभारत का वो हिस्सा है जो बरसों पहले तेरे बाप और मेरे बीच धर्म निवास में शुरू हुआ था। तेरा कायर बाप मेरा बड़ा भाई जरूर था, मगर था वो बड़ा धर्म कर्म वाला। तेरे बाप की अच्छाई की वजह से लोग मुझसे नफरत करते थे, अधर्मी समझते थे मुझे वो, और उसी की वजह से मुझे धर्म निवास से निकाल दिया गया था। और उस दिन मैंने कसम खाई थी कि एक ना एक दिन मैं अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। तेरा वो बुजदिल बाप तो मर गया अविनाश, मगर बाप के पापों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है, इसलिए तुझे आज 14 साल की सजा हुई है। आज हिसाब बराबर हो गया। नहीं चाचा जी, नहीं, अभी नहीं। सच्चाई को जब भी बनवास मिला है 14 साल का मिला है। याद रखिए, जब मेरा बनवास खत्म होगा तो सबसे पहले मैं आप लोगों से मिलने आऊंगा। जरूर आना बेटा, जरूर आना, लेकिन आज की तरह उस दिन भी तू अकेला होगा। ना तेरे पास धर्म निवास होगा, ना तेरा परिवार। अगर आपने मेरे परिवार के साथ कोई भी गलत हरकत की। ना 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 बेटा ना, हम उनको कुछ नहीं करेंगे। हमारी दुश्मनी लाख सही, मगर वो तो हमारे अपने ही है ना, हमारा परिवार है। ममता मेरी बहू है, विक्की मेरा नन्हा सा भतीजा है, मगर क्या है ना विनाश, इस शहर की आबादी बहुत बढ़ गई है। आए दिन कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं, उनके साथ भी कोई ना कोई ऐसा हादसा जरूर होगा, हमारा दिल कहता है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं मर जाऊंगी मगर ऐसी बात कभी नहीं बोलूंगी। इसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं ममता। भगवान के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, तुम्हारे जीते जी मैं विधवा बन के नहीं रह सकती। इन आंसू भरी आंखों से तुम्हें सच्चाई दिखाई नहीं दे रही ममता। अपने आप को संभालो और सोचो कि मुझसे मेरे बाप का बदला लेने के बाद वो लोग तुम्हें और विक्की को भी नहीं छोड़ेंगे।
मैं विकी को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। तो क्या होगा, विकी को जब पता चलेगा कि मैं जेल में हूं और मुझे जेल तक पहुंचाने वाले कौन लोग हैं तो वो रुक सकेगा? वो सीधा उन तक पहुंचेगा। एक कमजोर और अकेला लड़का, अंजाम जानती हो ममता क्या होगा? ममता मेरी बात मान लो, विकी से कह दो कि अब उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा, और उसके भाई की आखिरी इच्छा थी कि विकी पढ़े लिखे नेक राह पे चले। सुहागन होते हुए अपने हाथों से सिंदूर पोछूं, मुझसे नहीं होगा। मक्खन, मक्खन मेरे यार, तू मेरा ये काम करेगा? तुझे मेरी दोस्ती की कसम। साहब जी, आपने मैनू दोस्त बोलिया है, अब ये दोस्ती तो निभानी पड़ेगी ना। मैं कह दूंगा साहब जी, मैं अपने दिल पर पत्थर रख कर, अपने आंखों के आंसू पीकर, ऐ झूठ भी बोल दूंगा साहब जी। साहब जी, वाहिगुरु मेरी उम्र भी तुहानू दे दे साहब जी, तुहानू दे दे। नहीं भाभी, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगा, यही मेरा घर है, धर्म निवास। अधर्म की चालू ने धर्म निवास हमसे छीन लिया विकी, अब ये हमारा घर नहीं रहा। भाभी ये तुम क्या कह रही हो, पहले भैया बिना कुछ बोले चले गए, अब हम घर छोड़कर जा रहे हैं। भाभी तुम बताती क्यों नहीं, भैया कहाँ है? बेटा वो शेर का पुत्र अपनी बहादुरी का शिकार हो गया है, बेटे वो उस जगह चला गया है जहाँ से कोई वापस नहीं आता। नहीं माखन चाचा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो माखन चाचा। भाभी भाभी तुम बताओ भैया कहाँ गए, बोलो ना भाभी बोलो। तुम चुप हो, इसका मतलब माखन चाचा सच बोल रहे हैं। भाभी अपने भैया को तो नहीं ला सकता, मगर ये घर तुम्हें जरूर वापस दिला दूंगा। चलो माखन चाचा, कहाँ चलना है? इस बैग के अंदर इतने सारे पैसे हैं कि तुम लोगों को जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं, जाओ ऐश करो। थैंक यू रघु दादा, और कुछ काम हो तो हमें याद कर लेना। बाला आज रात को इन सबको खत्म कर देना, हमारे खिलाफ कोई भी सबूत बचना नहीं चाहिए। जी दादा। वो धर्म निवास का क्या हुआ? धर्म निवास आज रात हमें मिल जाएगा। बाबी जी आइए, माफ करना बाबी जी, ऐ गरीब मक्खन सिंह आपकी हजियत का नहीं अपनी हजियत का घर आपको दे रहा है। अरे ये तो बहुत अच्छा घर है मक्खन सिंह, और देखो ना इतनी रात होने पर भी कितनी रौनक है मोहल्ले में। हाँ भाभी, बंगले से बचा घर ही है, तो बंगला तो एक तरफ कोने में था, यहाँ तो सब घर भी पास पास है और मुझे दोस्त भी मिल जाएंगे। रो मत विक्की, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ बाला? सब काम एकदम फर्स्ट क्लास, सारे सबूत खत्म, सब कुछ खत्म सिवाय एक के।
ये लीजिए धर्म निवास की चाबी। बापू ये रही धर्म निवास की चाबी। आओ बापू धर्म निवास चलते हैं। नहीं धर्म निवास मैं अकेला जाऊंगा। धर्म निवास मैं आ रहा हूं। बुड्ढे धर्मदास मेरे बाप, अरे कहां है तू? हे भरत, भरत पाखंडी, अरे देख कौन आया है। मैं जगन्नाथ आया हूं, वो जगन्नाथ जिसे तुम दोनों ने धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दिया था। तुम दोनों तो मर चुके हो, मगर तुम्हारी आत्माएं तो देख रही है ना। तो देखो, तुम्हारा ये मंदिर, तुम्हारा ये धर्म निवास मेरे कब्जे में है, एक अधर्मी के कब्जे में। बापू, अब तेरी पूजा श्रद्धा और धर्म कर्म का क्या होगा? बापू, यही वो लकड़ी है ना जिससे तूने मुझे मारा था। यही वो लकड़ी है ना जिससे तूने मुझे मारा था, मारा था। मैं जीत गया, जीत गया, मैं जीत गया बापू, जीत गया। ये तो क्या कर रहा है विकी? ये बंगले की मिट्टी है भाभी, जिसे मैंने हाथ में लेकर कसम खाई थी कि मैं तुम्हें तुम्हारा घर वापस दिलाऊंगा। विकी, भाभी ये तुलसी हर रोज याद दिलाएगी कि विकी ने अपनी भाभी से क्या वादा किया है। देख तुलसी माँ, भूल मत जाना, याद दिलाती रहना। अबे फट, खाना लाओ हमारे लिए। साले रघुनाथ के भाई के चमचे। करम दरवेश शहरत भला रहम करे अल्लाह, अंधे को कोई दे दे बाबा। अरे है ही कोई माई का लाल इस अंधे का सवाल पूरा करे। ए बाबा रुक, चल तुझे खैरात देते हैं। रहे नाम अल्लाह का। आओ बाबा, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। रहे नाम अल्लाह का, अल्लाह खुश रखे प्यारे। बैठो बाबा। आ गया खाना। लो बाबा खाना खा लो। आवाज मत कर, बाबा खाना खा रहे हैं, समझा? अरे कुछ नहीं बाबा, आप खाना खाओ। आ,
बच्चा? कुछ नहीं बाबा, वीडियो पर पिक्चर चल रही है, आप खाना खाओ। ये लो, तुम्हारे तोड़फोड़ के लिए है, और बाबा के खाने का पैसा मैं दूंगा। खाओ बाबा, पेट भर के खाओ। कुछ और चाहिए? अल्लाह भला करे, और मंगा ले बच्चा, ये क्या चीज है? ये तो चिकन है बाबा, मुर्गा। अरे ठीक है मालूम है गिरा खाया, अभी चुपचाप बैठ। सॉरी गॉड, कस्टमर आया, अभी आती हूँ। बोलो सेठ, क्या मांगता है? अंडा, अंडा 50 पैसे। अरे एक नहीं, हमको पूरा 100 अंडा चाहिए, 4 ऊपर 8 डजन। 100 अंडा? हाँ। क्या बात कर रहा है सेठ, आज तुमने अपन को खुश कर दिया। अच्छा सेठ, इतना अंडा का करेगा क्या, होटल ले क्या? अरे नहीं, तुमको क्या बोलने का, मेरा बीवी पागल हो गया है। पागल? हाँ। सेठ तुमको इतना नहीं मालूम, पागल को अंडा खिलाता है? अरे जिस दिमाग को गर्मी चढ़ जाता है उसको अंडा नहीं खिलाने का। अरे उसको नहीं, वो मेरे को खिलाएगी। उसको किसी औरत ने बोला कि तुम्हारे मर्द को 100 कच्चा अंडा खिलाओ तो तुमको बच्चा होएगा। ऐसा क्या? हाँ। पहले बोला था ना सेठ, ऐसा करो तुम अपन का राज से बात करो। हाँ? वो एक दिन में 60 मुर्गियों से अंडा निकलवाता है। ठीक है, ये अंडा फेल हो गया ना तो फिर तुम्हारे मुर्गे से बात करेगा। लेकिन तुम्हारा अंडा बहुत छोटा है। 50 पैसे में क्या चाहिए, फुटबॉल? अरे बाजू का होटल वाला 60 पैसे में इतना बड़ा अंडा देता है, 8 में भी नहीं आता है। इधर आओ। क्या है ना, अपन 10 पैसे के लिए अपन का मुर्गी को तकलीफ नहीं देना मांगता है। ठीक है ठीक है सेठ, तुम ऐसा करो, तुम जाओ, अपन का बॉयफ्रेंड आने वाला है, और उसके आने से पहले अपन को बहुत तैयारी करना पड़ता है। तैयारी तो सब ठीक है वड़ी, मगर हमको एक बात समझ में नहीं आता, शरीफ छोकरी लोग अपना इज्जत बचाता है, तुम पैसा देकर अपना इज्जत क्यों लुटाता है? अरे मेरे कबाड़ी बाबा, तुम समझता नहीं है, अपन का जो बॉयफ्रेंड है ना वो अपन को भाव नहीं देता है। वो जब तुम लोगों को अपन का रेप करते देखेगा ना, उसको गुस्सा आ जाएगा, वो तुमको मारेगा। उसके बाद वो अपन के पास आएगा, अपन उसको बोलेगा विक्की थैंक यू, वो बोलेगा नहीं सारा, प्यार में थैंक यू नहीं, आई लव यू बोलते हैं। अपन बोलेगा विक्की आई लव यू, वो बोलेगा सारा आई लव यू टू। वड़ी मैम भी बोलू आई लव यू? चुप है, तुम कुछ नहीं बोलेगा। मैम साहब विक्की। अबे शुरू हो जाओ, बचाओ किधर भाग गया सारा। पौली रहने दे रहने दे। थैंक यू। इस नाटक के पैसे मिले या मिलने वाले? मिलने वाले। अबे कबाड़ी का बच्चा, साला सब खेल खराब कर दिया। मेरे पैसे? पैसा? रेप नहीं किया और पैसा मांगता है, अरे भाग भाग। अरे सारा थोड़ी सी तो शर्म कर, घर जाके कपड़े बदल, नहीं तो कोई ऐसे देखेगा ना तो तेरा सचमुच रेप हो जाएगा। विक्की एक टाइम बोल दे आई लव यू, उसके बाद अखा लाइफ और कुछ बोलने को नहीं बोलेगा। अरे आई लव यू के बाद और कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है, सीधे शादी। तू अपुन को बहुत सताता है ना? सताता नहीं, अभी अपुन जाता है, बाय बाय। I love you।
अगर विकी को पता चल गया तुम ऑफिस में नहीं फैक्ट्री में काम करती हो एक मामूली मजदूर की तरह तो उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए। मैं अपनी मजबूरी को उसकी कमजोरी नहीं बनाना चाहती। बस आज उसका रिजल्ट आ जाएगा भाभी तो... भाभी देख मैं पास हो गया। विकी तू पास हो गया, मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। विकी मेरे सारे सपने पूरे हो गए। जेल के बाहर वक्त कितना तेजी से गुजर जाता है। कल तक विकी कितना छोटा सा था, स्कूल जाने से रोता था और आज उसने कॉलेज भी पास कर लिया। कैसा है वो? अच्छा है, आजकल नौकरी की तलाश में घूमता रहता है। मिल जाएगी ममता, हमें हर वो चीज मिल जाएगी जिसकी हम कामना कर रहे हैं। मेरी तो एक ही कामना है, मेरी मांग को सिंदूर मिल जाए। कुछ दिन और ममता, कुछ दिन और। लगता है मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। रो मत ममता, मत रो। जेल के इतने लंबे साल मैंने तुम्हारी हिम्मत के सहारे काटे हैं। तुम तो मेरी हिम्मत हो। अगर तुम रोओगी तो मैं टूट जाऊंगा। मत रो। चलती हूँ। बीते दिनों की याद करने से कुछ नहीं मिलेगा विकी, सिवाय दुख के। मैं गुजरे दिनों को याद नहीं कर रहा हूं भाभी, मैं तो आने वाले अच्छे दिनों की राह देख रहा हूं। हम अपनी खुशियों से इसी मोड़ पर बिछड़ते हैं, हमारी अपनी खुशी यहीं वापस मिलेगी। समय आएगा तो खुशियां हमें खुद ढूंढ लेंगे विकी, हमें इससे भी अच्छा घर मिल जाएगा। नहीं भाभी, मुझे यही घर चाहिए। भाभी ये घर नहीं, हमारा मंदिर है। हम इसी घर में वापस आएंगे भाभी।
ये मेरा सपना है। तेरा सपना जरूर पूरा होगा विकी। कल तक मैं जिंदगी से अकेले लड़ रही थी, आज तू मेरे साथ है। बस तू नहीं थकना, कभी हार नहीं मानना, इसी तरह जिंदगी से लड़ते रहना। हाँ। तब इसे देखो, जब देखो तब धाएं धाएं करते रहता है। मुझे पापा से पूछना पड़ेगा, ये दिवाली के दिन पैदा हुआ था क्या? दिवाली के दिन पैदा होता तो खुशियां मनाता, मैं तो शोक मनाते रहता हूँ। ऐसा कौन मर गया जो तू शोक मना रहा? तुम्हारी अकल मारी गई है, धंधे में नुकसान हो रहा है, कोई बदमाश लाखों रुपए का माल लूट चुका और तुम कुछ करते ही नहीं हो। अगर जानता कि कौन लूट रहा है तो साले को काट कर रास्ते पर डाल देता। भैया इस बार मुझे माल ले जाने दो, जो भी करीब आएगा उड़ा दूंगा। नहीं रॉकी, इस तरह तो सारी पुलिस पीछे पड़ जाएगी। अरे पुलिस से भी निपट लेंगे, ये है ना मेरे पास। तू अनाड़ी है यार। अपने धंधे में मारने से ज्यादा बचना जरूरी है। रफीक इस बार तू माल लेकर जाएगा। ये कौन सा सांप है जो रघु को डस रहा है? तीसरा टाइम हो गया जब अपना माल लूटा गया, तीसरा टाइम। दादा बहुत जल्द उस चोर का पता चल जाएगा। चुबे साले, सबके सब निकम्मे हो गए। अब मुझे किसी ऐसे आदमी की तलाश करनी पड़ेगी जो मेरे इस दुश्मन का मुकाबला कर सके। ओ 60, ओ 70, ओ 80, 100 धोखा। ओए कोई गल नहीं, वो धोखे पे इनकम टैक्स थोड़ा ही होता है। बटर अंकल। ओए बटर अंकल नहीं, मक्खन चाचा बोल, मक्खन चाचा। मक्खन चाचा, बटर अंकल, एक ही बात है। ये लो अंडे। ओ कितने पैसे हुए? 1000। तुम्हारा ये बात अपुन को समझ में नहीं आ रहा। अपुन का सगा बाप अपुन को छोड़कर चला गया, तुम अपुन को बहन जैसा पाला, इतना प्यार दिया कि कोई सगा वाला भी नहीं दे सकता। अपुन का सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तो पैसा क्यों देता है? ओए साढ़े पंजाब की परंपरा है कि हम बहन के घर का पानी नहीं पीते, तो ये फ्री में अंडे कैसे ले लें? ओए हम लोग जिधर भी रहे ना दुनिया में, पंजाब तो हमारे दिल में बसा है ना। और कुड़िया सुना तेरा हाल की है? अंकल तुम जानते सब कुछ, फिर काय को पूछता है? तेरे दिल में तो बस विक्की बसा हुआ है। अरे विक्की पढ़ लिख कर बेकार हो गया, अगर जाहिल होता ना तो मैं उसे अपने साथ लगा लेता था। अरे इस देश में जिसके हाथ में डिग्री ओदी तक किस्मत है बिगड़ी, और अब जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी वो तेरे को नहीं मिलेगा। अरे मेरा बच्चा ना जाने किधर धक्के खा रहा होएगा। सर प्लीज सर, मैं महीनों से ये डिग्री लेकर घूम रहा हूँ, कम से कम ये कागज की इज्जत कर लीजिए सर, मुझे नौकरी दे दीजिए। अरे भाई इस कागज की इज्जत है क्या? ये रद्दी के टुकड़े तो हर साल जवानों को बांटे जाते हैं, और तुम जैसे लोग इन झूठे सपनों को लेकर खुश हो जाते हो। जाओ इन डिग्री बांटने वालों से कहो कि पहले नौकरियां पैदा करें फिर डिग्री बांटे। जाओ आला पुत्र, तू इस तरह क्यों खड़ा है? चाचा चाचा तुम्हें पता है कि भाभी काम करती है, मुझसे छुपकर काम करती है,
आज ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है चाचा। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया चाचा। ना पुत्र, ना 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 रो मत पुत्र, ना रो, सब ठीक हो जाएगा पुत्र। एक बात याद रखी, जो तो सवेरा होने वाला होता है ना, तो उसकी रात बड़ी काली होती है चाचा। अगर ये रात का सवेरा नहीं हुआ ना, तो एक काली रात मुझे निगल जाएगी, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता चाचा। चाचा चाचा, अगर मुझे नौकरी नहीं मिली ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ना पुत्र ना, ऐसी बातें मत कर। अरे तेरे को तो बड़ा काम करना है, नाम कमाना है, पैसा कमाना है पुत्र। खुद पर भरोसा रख, खुद पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा मेरे पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। देख बेटा राकेश, रघु तो मेरी बात सुनता नहीं, तू मेरा एक काम कर दे, अविनाश की बीवी और उसके भाई को तलाश कर। बापू मैं उस वक्त बहुत छोटा सा था जब वो लोग ये घर हमें बेचकर चले गए, पता नहीं वो लोग इस वक्त कहां होंगे। तो सिर्फ ये पता लगा कि अविनाश कौन सी जेल में है, वो दोनों उससे मिलने तो आते ही होंगे ना। एक बार वो मुझे मिल जाए तो मैं उन दोनों को भी बर्बाद कर दूंगा। जितने साल मैं तड़पा हूं, मैं उन दोनों को भी तड़पाऊंगा। जा जा बेटा। साहब, यही वो आदमी है जिसने होटल में हमारे आदमियों से मारामारी की थी। तू यहां भीख मांगने के लिए क्यों खड़ा है? क्यों, ये तेरे भीख मांगने की जगह है क्या? साले मुझसे जबान लड़ाता। पिटने का इतना शौक है तो कहीं और मिल, मंदिर में लड़ना पाप है समझा? मंदिर? ये तेरे बाप का मंदिर है क्या? नहीं, मेरा, लेकिन तुझ जैसा पापी क्या समझेगा। कहीं और मिलके देख, तेरे बदन की हड्डियां तुझे उम्र भर गाली देंगी समझा। किसकी हड्डियां किसको गालियां देंगी ये तुझे आज ही पता चल जाएगा। कहां रहता है ये? फॉलो सेठ, क्या चाहिए? देखिए किधर रहता है। विक्की से क्या काम है तुझे? कुछ भी हो, तुझे क्या करना है? विक्की से अपनी बहन की शादी बनाने को आया क्या? यू तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, अपुन तेरे को यहां भी नहीं मार सकता। ये अपनी भाभी मां का इलाका है, अगर उसको पता चलेगा तो उसको बहुत दुख होगा समझा। रियली? एक काम कर, इसे पहन ले, फिर मैं तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। और हां, कुछ अपनी भाभी मां को भी पहना दे मेरी तरफ से। चला जा, चुपचाप चला जा। आज तुम मेरे हाथों दो टाइम बच गया, लेकिन मुझे अपनी भाभी मां की कसम कि शाम को तू जहां भी होगा, मैं वहां आकर तुझे ये चूड़ियां लौटा दूंगा। For you. अबे ये क्या कर रहा है? बड़ी नाप के देखता है ना, दरवाजे के बाहर जाएगा कि तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के बच्चे, तू है कौन? कबाड़ी साई, कबाड़ी, जूना पुराना सामान चोर बाजार में बेचता है ना, बड़ी इसको भी बेच डालेगा ना। बेच डालेगा? अबे ये सामान तुझे क्या तेरे बाप ने बेचा है? सेना तुम्हारे बाप ने बेचा है ना। What? अरे चरिया गुस्सा क्यों करता है, पीछे खड़ा है ना, बड़ी पूछ लेना। अच्छा तो तू लेकर आया इन कबाड़ियों को? हाँ, अपुन ने सोचा कि जब अपुन तेरी धुलाई करेगा ना, तो उसमें सामान तो टूटेगा ही, इन बेचारे गरीब लोगों का भला हो जाएगा और तुझे अपनी मरम पट्टी का पैसा भी मिल जाएगा। अरे हाँ! ओ
फोन पे लेता हूँ। चलो चलो। ये सुराई है कितनी लंबी, अमिताभ बच्चन है क्या? क्यों घनश्याम कबाड़ी, तेरा काम हो गया ना? वरी देखो पूरा खाली कर दिया नी। अच्छा ये बता इसका क्या मिलेगा? अरे वरी ये तो खोटा सिक्का है, चोर बाजार में भी नहीं बिकेगा। ए! एक काम कर। क्या? इसे हाथ गाड़ी पर बिठाकर रघुनाथ के घर पहुंचा देना। एक छोकरे ने, एक साले बस्ती के छोकरे ने मेरे क्लब में घुसकर मेरे भाई को मारा। उस साले की जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। आओ मेरे साथ। भैया हो रहा हो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ ये औरत है वो कौन है? भाभी है इसकी, इसी ने इसको पाला है। अब समझा विकी धर्म निवास के बाहर क्यों खड़ा रहता है। भैया वो चला जाएगा, पिस्तौल छोड़ो मैं उसे जान से मार दूंगा। ये मारने की नहीं पालने की चीज है, उसे मेरे पास बुलाओ। ये तुम्हारे पास नहीं आएगा भैया। वो जरूर आएगा, उसे धर्म निवास में बुलाओ। अपना घर सबसे सुंदर है, नाम तेरे ही मेरी उम्र है, साथ है तू तो मुझको क्या डर है। तेरी सांसों से जो मेरी सांसें बंधी तो मेरी जिंदगानी बनी। विकी अपुन तुम्हारे बारे में सब जानता है, तुम्हारे बाजू का ताकत ये टेबल कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं है। तुम अपुन के लिए काम करो, मां कसम जो मांगेगा वो देगा। मुझे ये बंगला चाहिए सेठ। मिल सकता है, ये 70 लाख का बंगला है। जिस दिन तुम मेरे लिए 70 लाख कमाओगे ये बंगला तुम्हारा। मुझे मंजूर है। ये तूने बहुत अच्छा किया रघु, बहुत अच्छा किया बेटा। विकी को इतना खतरनाक मुजरिम बनाना कि अविनाश जब जेल से निकलने के बाद विकी का सामना करे तो उसकी सच्चाई और ईमानदारी विकी को देख के दम तोड़ दे। बड़े भैया के खानदान की जितनी ज्यादा बर्बादी होगी मुझे उतनी ज्यादा खुशी होगी। क्या करता है? कुछ नहीं करता है, मुर्गे से बात करता है। पहचाना नहीं हमको? अरे उस दिन आया था 8 डजन के ऊपर 4 अंडा लेके गया था और तुमने बोला था कि अंडे से कुछ नहीं होएगा, तो मुर्गे से बात करना। 100 कच्चा बैदा खाने के बाद भी तेरे को बच्चा नहीं हुआ है? अरे कितना साल से बाप बनने का ट्राई मारता है? अरे ट्राई नहीं मारता है, प्रैक्टिकल करता है। 1 साल से। 1 साल से? क्या अब तक फैमिली प्लानिंग करता था? अरे काय का प्लानिंग है, हमारी शादी को खाली 1 ही साल हुआ है। इतना लेट क्यों शादी बनाया तुम? अरे नहीं नहीं, मारी वाइफ छे पहले पैरी, उसको समझाने में 20 साल लग गया, वो शादी के लिए तैयारी नहीं होता था, इसीलिए हमारा शादी इतना लेट हो गया।
मर गया। अरे सूट है डिकरा काहे रड़े छे? लगता आप उनका आनंद भी तेरे जैसा ही चोने वाला है। आप उनका बॉयफ्रेंड है ना, वो भी शादी मनाने को राजी नहीं है। एम के साला उसको हम समझाएगा, क्योंकि बुढ़ापे में एक दिन में 100 कच्चा अंडा खाकर हजम करना बहुत मुश्किल बात है। खटाई निकल जाता है, खटाई निकल जाता है, खटाई निकल जाता है। रुकेगा तो काम करेगा ना? किधर है वो? विकी, तो मांडवी चले जाना और ये बैग विलियम को दे देना, और उसे दूसरा बैग लेकर गोडाउन पे पहुंच जाना। ठीक है भैया। इसे इस तरह से अकेले भेजना क्या ठीक रहेगा? आज इसका पहला दिन है, हमारे दुश्मनों ने फिर से माल लूट लिया, तो इतनी जल्दी इतना भरोसा करना ठीक नहीं है। मुझे भी यही देखना है कि हमें विकी पर कितना भरोसा करना चाहिए। तुझे किसने भेजा है? प्रताप, ये प्रताप कौन है? प्रताप एक चिंगारी है, वो चिंगारी जिसे किसी के घर का चिराग बनने नहीं दिया गया, इसलिए वो ज्वालामुखी बन गया। अरे यार ज्वालामुखी, तूने अंदर आने से पहले सोचा होता कि अब तेरा क्या होगा? देख तेरे चारों तरफ देख, ये लोग तुझे जिंदा वापस जाने देंगे? मैं जिंदा वापस जाऊंगा रघुनाथ, और मेरे साथ जाएगा मेरा आदमी और ये बैग। जरा पता करो ये कौन से पागलखाने से भागा है, ताकि उसी पागलखाने के सामने इसकी लाश फेंकी जाए। मार दो साले को। ऐसी गलती मत करना रघु, मैंने कहा ना मैं ज्वालामुखी हूं। देख कितने बॉम्ब बने हैं, अगर एक गोली भी चली तो मेरे साथ तुम सब खत्म हो जाओगे। हाँ अगर कुछ दिन और जिंदा रहना है तो मुझे माल के साथ वापस जाने दे। क्यों रघु? हाँ जाओ और माल भी लेकर जाओ। पता करो कौन है ये जिसने रघु के घर में घुसकर उसका माल ले जाने की हिम्मत की है। रघु का माल कोई नहीं ले जा सकता। क्या मतलब? प्रताप जो बैग लेके गया है उसमें असली माल नहीं है, असली माल ये है। अरे विकी तू तो कमाल कर दिया यार। साला होशियारी करने आया था, ये ले तेरा हिस्सा। इसमें से सिर्फ 2000 रुपए मुझे दो और बाकी के पैसे अपने पास रखो, धर्म निवास का एडवांस। जिस दिन धर्म निवास के पैसे पूरे हो जाएंगे उस दिन मुझे मेरा धर्म निवास वापस करना है, ये बात याद रखना। अब प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है भाभी, भगवान ने तेरी सुन ली है। ये देख ये पैसे, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है भाभी, उस मेहनत की जो तुमने मेरे लिए की। तुझे नौकरी मिल गई? हाँ भाभी। वो सुनेंगे तो कितने खुश होंगे। वो कौन? कोई नहीं, गुजरे हुए दिनों को भूल जाओ भाभी। वो देखो वो सड़क जहां खत्म होती है ना, वहां धर्म निवास है, तुम्हारा घर और मेरी मंजिल। एक बात समय में नहीं आई, हांगकांग में आपका अच्छा धंधा चल रहा था, अचानक सब कुछ बंद करके आप यहां चले आए और रघु से दुश्मनी मोल ली। आखिर आप चाहते क्या हैं? रघु और उसके खानदान की बर्बादी। मैं समझा नहीं। ये देख
जगन्नाथ, ये तो रघु के बाप की तस्वीर है। नहीं, ये मेरे बाप की तस्वीर है। मैं इसकी नाजायज औलाद हूं। इस कमीने ने मेरी मां को बच्चा तो दिया, लेकिन बीवी का दर्जा नहीं। मेरी मां बदनामी के डर से मुझे अपने साथ लेकर हांगकांग चली गई, और सारी जिंदगी दुख सहते सहते चल बसी। मैं हांगकांग से अपनी मां का बदला लेने आया हूं। मैं जगन्नाथ और उसके खानदान को बर्बाद करके ऐसे मोड़ पर ले आऊंगा जहां वो मेरे पैरों पर गिरकर मुझसे माफी मांगेगा और मुझे अपना नाम देगा। वो तो सब ठीक है, लेकिन उस रघु के नए आदमी का क्या करें? नया आदमी कौन? विक्की। प्रताप तुम? हाँ विक्की, तुझ जैसा बहादुर रघु जैसे कायर की गैंग में अच्छा नहीं लगता। मेरे साथ आजा, मुंह मांगे पैसे दूंगा। मैं पैसों के लिए रघु के गैंग में काम नहीं कर रहा हूं। मैंने उससे धर्म निवास का सौदा किया है, मुझे उससे अपना धर्म निवास वापस लेना है। धर्म निवास? धर्म निवास तेरा घर है? हाँ, भैया की मौत के बाद रघु ने धर्म निवास खरीद लिया। अब मैं उससे धर्म निवास वापस खरीदना चाहता हूं। तेरे भाई का नाम क्या था विकी? अविनाश वर्मा। अविनाश वर्मा? चाचा, 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 एक अबाड़ी, ये चाचा क्यों रो रहा है? भांग पीकर मक्खन दादा को याद आया कि उनकी शादी नहीं हुई, शाम से इसी का दुख मना रहे हैं। अरे चुप, चाचा को लगे ठंड, चाचा टोकरी में बंद, चाचा खाए गधे का, चाचा पूकने का। 50 साल की उम्र हो गई, मेरी माँ मेरे को कहती थी कि ब्याह कर लाए कर लाए कर लाए, लेकिन आज मेरे को छोकरी नहीं मिलती, इसलिए भाग पीकर अपना गम गलत कर रहा हूँ। चाचा, तुम्हें इस बात का गम है कि तुम्हें छोकरी नहीं मिली, इस बात की खुशी नहीं कि मुझे नौकरी मिल गई। तेनु नौकरी मिल गई? ओए बल्ले बल्ले, आला भांग का सेलिब्रेशन, ओ मुंडियो शुरू हो जाओ। तुन्ना तुन्ना, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, ओ आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। भूले को रास्ता दिखाने वाला चाहिए। तुन्ना तुन्ना तट्टा तुन्ना, तुन्ना तुन्ना तट्टा तुन्ना, हो आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। पूरे सारे अरमां हमारे हुए
पीछे कब ताला न जाने वाला चाहिए। ओ आसमां को धरती पिलाने वाला चाहिए। ओए माँ कहती थी हो, ओए माँ कहती थी ब्याह करो पर करूँ मैं किससे शादी, सारी दुनिया घुमाया पर मिली नहीं शहजादी। ओए ऊपर वाले तेरी दुनिया मुझको रात न आई, मेरे वास्ते ओ मेरे रब्बा एक कुड़ी न बनाई। भरी जवानी में पूछो ना हाल हुआ क्या अपना, एक रोज मैं सोए सोए देख रहा था सपना। मैं खुदी इस दिल की कलियां दूर बजी शहनाई, सजी सजाई दुल्हन लेके रात सुहागण आई। ओए जो कुछ सपने में देखा था मैं देखा था बात थी वो सब झूठी, आँख खुली तो मैंने देखा थी मेरी खटिया टूटी। यहाँ वहाँ फिरता हूँ लेके हाथों में एक तारा, यहाँ वहाँ फिरता हूँ लेके हाथों में एक तारा। लगता है अब रहना पड़ेगा सारी उम्र गवारा, ओए सारी उम्र गवारा, ओए सारी उम्र गवारा। देखी मैं झूठ बोलिया कोई ना, देखी मैं कुफर तोलिया कोई ना, देखी मैं झूठ बोलिया कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना। ओ पापा श्री तुसी नहीं जानते, पटती है लड़की पटाने वाला चाहिए। आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, गिरते का बढ़ के उठाने वाला चाहिए, भूले को रास्ता दिखाने वाला चाहिए। ओ तेनू नौकरी मिल गई मुझे छोकरी दवा दे। चाचा चाचा ये तो मेरा घर नहीं है। आ तो मेरा कार भी नहीं है, आ तो मेरा ही कार है। तू अगर ऐसी हालत में कार जाएगा ना तो तेरी भाभी मुझे जूतों के साथ मारेगी। काका तू एक काम कर, तू इधर सो जा तो मैं उधर सो जाता हूँ, कल सवेरे कार चला जाए। ठीक है चाचा। आइडिया है छोकरी करी है। लगता है कि मेरे बिस्तर में कोई है। कौन है चाचा, कोई चोर तो नहीं? चाचा चाचा लगता है मेरे बिस्तर में भी कोई है। ओए विकी, लगता है कि इस घर में दो चोर घुसा है, एक तेरे बिस्तर में जाएगा, एक मेरे बिस्तर में जाएगा। चाचा हाँ, मैं इस चोर को मारता हूँ, तुम अपने चोर को मारना। हाँ तो शुरू हो जा काका दी पैर दी मार दी। चाचा मैंने उस चोर को मार के गिरा दिया। उस चोर ने मेरे को मार के गिरा देता। देखो तुम मेरे पास आकर सो जाओ, कल सुबह हम दोनों उस चोर को मिलकर मारेंगे। ठीक है का, असि दोनों मिलकर होती कल डालेंगे। बड़ा जोर दी मारे नहीं अपने ही है। आए, 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 ये बांग ने तो मेरी तुन्ना तुन्ना कर दी थी रे, मेरा सर गया है, वो तुआ निकल गया है। बड़ा रंग अंडे विकी Oh,
सारा सारा ये क्या है? ये तुम्हारे प्यार का नतीजा है। रात को तुम नशे में बहुत नटखट हो गए थे और मैं इनकार भी नहीं कर सकी। नशा? लेकिन इतनी जल्दी इतना बड़ा, अब क्या होगा? मिठाइयां बटेंगी और मैं गर्व के साथ कहूंगी हमारा छोटा विकी आ रहा है। भाभी माँ कितनी खुश होंगी, उनका सोना बंदूर हो जाएगा, उन्हें बहू के साथ एक रेडीमेड भतीजा मिल जाएगा। सारा सारा ओए विकी। चाचा चाचा, क्या एक ही रात में लड़की का इतना बड़ा हो सकता है? ओए इतना बड़ा क्या ओए? चाचा वो ओ बाल। अरे चाचा, क्या लड़की के बाल यहाँ होते हैं? मैं पेट की बात कर रहा हूँ, पेट। एक रात में जब लड़की माँ बनने वाली होती है तो उसका पेट इतना बड़ा हो सकता है? एक ही रात विच एडा बड़ा पेट? देख पुत्र, इस मामले विच मेरा एक्सपीरियंस हैगा बिल्कुल जीरो, बट इट कुड बी पॉसिबल कि आज दे मशीन दे युग विच कुछ भी हो सकता है। लेकिन पुत्र ए कुड़ी कौन है जिदा तू पेट? चाचा वो कल नशे में मैंने उसकी। बटर अंकल। ओ सारा, ओए ओ, इसका मतलब है कि ये हरकत तू सारा लाल की थी? ओए कोई गल नहीं, अपा तुसी दोनों का ब्याह रचाएंगे, शादी कराएंगे और उदे बाद वाई गुरु दी मेर मैं चाचा बन जाऊंगा। फिर ओ तुन्ना तुन्ना जब तो तुम यहाँ मेरी जान पे आई है और आपको तुन्ना तुन्ना सूझा हुआ है? सारा सारा इसका क्या होगा? विकी, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, ये हमारे प्यार की निशानी है। चलो भाभी माँ के पास चलते हैं। बटर अंकल हमें आशीर्वाद दीजिए। क्या? ओए, तेरा बच्चा? चाचा ये बच्चा नहीं, तकिया है तकिया। मैं भी सोचूं एक ही रात में संभाल अपनी इकलौती औलाद को। लगता है तेरी किस्मत में माँ बाप का प्यार ही नहीं लिखा। ओए, लगता है तेरी किस्मत के अंदर चाचा जी का भी प्यार नहीं। ओए नहीं नहीं नहीं, इसको फेंक देगा तो सोएगा किस पे? पुत्र तेरे को मैं ही गोद ले लेता हूँ, आजा आजा। ओ जीसस, विकी के दिल में अपुन के लिए प्यार का जोत जगा दो। अपुन यह 6 कैंडल जलाएगा, वो अपना दिल का बात समझता ही नहीं है, अपुन के साथ टू मच करता है, टू मच। अरे उसमें टू मच का बात किधर से आ गया? मेरी प्रेग्नेंट है, मैंने किया, वो माँ बनने वाली, मैं बाप बनने वाला हूँ। अंडा खा के लो, तुम अंडा खाओ और बाप बन जाओ। दिख रहा है अजू 6 महीना बाकी छे, जरा आराम किया, तूफान नहीं करवा। अरे चाचा तुम आ गया, लो तुम्हारे वास्ते 2 अंडा। तुम्हारी उम्र थोड़ा जास्ती है ना, लेकिन अंडा तुम खाना, तुम्हारी बीवी को मत खिलाना। जाओ अंडा खाकर बाप बन जाओ। डार्लिंग केम छे? अरे सारा भाई तुम, अरे क्या टाइम पर आया है, हम तुम्हारे उधर ही आता था तुमको थैंक यू बोलने के लिए। मेरा वाइफ प्रेग्नेंट हो गया अंडा खाके। अरे बाबा जी, तुम्हारा हो गया लेकिन अपुन का क्या होगा? अपुन का बॉयफ्रेंड तो अपुन से बात ही नहीं करता है। तुमने उसको अंडा खिलाया? इससे कुछ नहीं होगा। अरे तुम समझती क्यों नहीं है, तुम माँ बन जाएगी, वो बाप बन जाएगा। नहीं बाबा जी, अपुन मम्मी कैसे बन सकता है, अपुन का शादी भी नहीं हुआ है। मरे रे, शादी नहीं हुआ तो फिर अंडा काम नहीं आएगा? नहीं आएगा, आएगा काम है? अगर तुम अपुन का हेल्प करेगा तो अपुन का लाइफ बन जाएगा। क्या मेरा नाम क्या है? विक्की। मगर बात क्या है वल्लाह साहब? लुच्चो छोकरो, बात पूछता है? चल पुलिस चौकी के अंदर। तुमने एक छोकरी की आंख का नींद चुराया है, उसका चैन चुराया है, उसका आराम लूटा है, अरे उसका अरमान भरा हुआ दिल तोड़ा है। हवलदार साहब, ये रिपोर्ट सारा ने लिखा है ना? साला लंपट हलकट झटकट कागरा खाओ, हा? तेरे को शर्म नहीं आता है? इतना अच्छा छोकरी को तुम छेड़ता नहीं है, गले नहीं लगाता है, बताता नहीं है, बच्चा नहीं पैदा करता है। अरे तेरे को शर्म आना चाहिए, हमको तो शर्म आता है। तेरे को तो अंडे का भी जरूरत नहीं है, तुम खुद एक अंडा है चिकना। पाओ जी, हाँ। तुम ये पुलिस में भर्ती कब हुआ था? भर्ती वो तो कल हो जाएगा। नहीं नहीं, आज सुबह हुआ। नया नया हवलदार है, कवला कवला। साले मक्कर, चल पुलिस स्टेशन। तुझे फ्रॉड करने और झूठी वर्दी पहनने के जुर्म में 2 साल की सजा होगी, समझा? चल। अरे 2 साल? बच्चा होने में 6 महीना बाकी है। मारी मेरी ने डिलीवरी नू छूटा से। ए सारा, ए माई जी, मेरे को बचाओ, मेरे को बच्चे का मुंह देखने का है, जेल में रह के हवलदार का नहीं।
विकी तू इंसान नहीं, पत्थर है पत्थर। अच्छा तो तू लेके आइए इसे, चल भागे इसे। देख विकी आज अपुन अपना जान दे देगा, फांसी लगा देगा अपने आप। अरे अपुन का भी जान छूटेगा। विकी सोला ला मेरा मुझी, ला मेरा टोपी, पैसा बर्बाद किया। ये डंडा भी तुम्हारा है, ये डंडे से मेरा सर फोड़ेगा। और विकी का नहीं, विकी का नहीं। चाचा ए चाचा, ओ तू आ गया, ओ तू कहां गया था, ओ तू चार दिनों वास्ते की चला गया, सारा भी चली गई। कहां गया? नहीं ऊपर, सारा ने पंखे से कूद कर खुदकुशी कर ली। क्या? और मरते वक्त उसकी जबान से एक ही नाम निकला था, विकी विकी विकी। अरे उसके शरीर को तो हमने दफना दिया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी तेरी याद में इधर उधर भटक रही है। रात को जब चांद हौले हौले आसमान पर चढ़ता है और जब कौवे अपना नाइट सूट पहनकर सो जाते हैं और जब उल्लू अपनी लुंगी बांध कर पेड़ के साथ उल्टे लटक जाते हैं विदाउट अंडरवेयर और हवा का जब तेजी से झोंका चलता है तब धरती खुद ब खुद फट जाती है, तब तड़क से खड़ा हो जाता है क्या कॉफिन और फिर कॉफिन का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और उदे बिच लाल रंग दी साड़ी पहनकर एक दुल्हनिया बाहर ऐसे निकलती है जैसे कोई राम से की फिल्म चल रही हो वे और गली का एक गलीज बेरोजगार ग्रेजुएट कुत्ता कर करके ऐसे भागता है जैसे श्री देवी के पीछे जितेंद्र और उसके बाद सारा हर चलते फिरते आदमी का पकड़ लेती है। क्या हाथ? तभी तो मैं डर कर चार दिनों से घर नहीं गया। ओए गल सुनो है, तू भी शमशान घाट से आराम से जाना, कहीं तेरा भी ना पकड़ ले। क्या हाथ? जा 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 जल्दी जा। आई आई इश्क का मजा आएगा उल्टा पठा। मरकर भी मैं तुझे भूल नहीं पाई, सिर्फ एक बार कह दे आई लव यू। तेरी बहनी जब तक तू नहीं बोलेगा आई लव यू, मेरी आत्मा यूं ही भटकती रहेगी, तड़पती रहेगी। मेरी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं तेरे लिए जी रही थी, तेरे लिए मर गई। बस मुझे एक बार कह दे, एक बार कह दे। देख ये भी तेरे भाई बंधु हैं, चली जाए इनके साथ, तू तो मरी हुई है ना। नहीं विकी मैं जिंदा हूँ, देख मैं जिंदा हूँ, देख मैं जिंदा हूँ। ठीक, फिर मैं भी तुझे एक चीज बोलता हूँ, ये भूत नहीं घनश्याम कबाड़ी है। माई राम राम, ये नाटक बंद कर। देख विकी तू सच सच बता दे, अगर तू अपन से नफरत करता है तो भी बता दे, मगर मेरे की कसम अपन तेरे को कभी नहीं सताएगा। लेकिन एक बार बता दे तेरे दिल में क्या है, तुझे भाभी माँ की कसम। सारा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, आज से नहीं उस दिन से जब पहली बार मैंने तुझे देखा था। विकी ये बात आज तक तुमने अपुन को बताया क्यों नहीं? इसलिए कि मैं और मेरी जरूरतें बाद में हैं, सबसे पहले मेरे लिए मेरी भाभी मां है
जिन्होंने मेरी जिंदगी में रोशनी करने के लिए अपनी जिंदगी चला डाली। सारा, तुमने उनके जख्मी हाथ नहीं देखे, उनकी आंखों में आंसू नहीं देखे, मैंने देखे, मैंने। इसलिए मेरी जिंदगी की हर सांसें उनके लिए हैं। सारा, मैं उनको जिंदगी की हर खुशियां, हर सुख देना चाहता हूं। अपन समझ गया विकी, अपन समझ गया। लेकिन आज के बाद तुम अकेला नहीं, अपन तेरे साथ है हर दिन रात। Thank you.
इस कैदी का नाम क्या है? अविनाश वर्मा। नहीं, तू झूठ बोल रहा है, मेरे भैया मर चुके हैं। झूठ मैं नहीं, तेरी भाभी बोलती आज तक विकी। यकीन नहीं आता तो जा पूछ उससे कि महीने की हर पहली मंगलवार को वो मंदिर का बहाना करके कहां जाती है और किससे मिलती है। आज भी पहला मंगलवार है और वो आज भी जाएगी। तू खुद जाके देख ले, तुझे यकीन हो जाएगा कि तेरा भाई जिंदा है और सेंट्रल जेल में है। साहब, जेलर ऑफिस में आपसे कोई मिलने आया है। कहिए। भैया विकी। हाँ भैया। तुम्हें किसने बताया कि मैं यहां हूं? आप क्या समझते थे भैया कि जेल की चार दीवारी में छुपकर बैठ जाओगे तो कभी किसी का सामना नहीं करना पड़ेगा? विकी, ये क्या कह रहा है तू? ये यहाँ छुप कर नहीं बैठे हुए हैं, अपनी ईमानदारी की सजा काट रहे हैं। सजा ये नहीं आप काट रही हैं भाभी, जो इनके जीते जी भी एक विधवा की जिंदगी गुजार रही हैं। सजा मैं काट रहा हूं जो एक अनाथ की तरह उस हाथ के लिए रोता रहा जो मेरे सर से उठ गया था। भैया भैया, आपने मुझसे ये क्यों छुपाया कि आप जिंदा हैं? आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला भैया, क्यों? इसलिए कि मैं तुझे उस गंदे इल्जाम के साए में जवान होते नहीं देखना चाहता था जो मुझ पे लगाया गया। ये इल्जाम आप पर किसने लगाया भैया? ये कहानी मैंने अधूरी छोड़ी है, विकी से पूरा भी मैं ही करूंगा। मैं नहीं चाहता जज्बात में आकर तू कोई भी गलत कदम उठाए, वरना मेरी और ममता की सारी कुर्बानी अधूरी रह जाएगी। विकी, तुझे मेरी कसम। ठीक है भैया, मैं आपका जेल से रिहा होने का इंतजार करूंगा, मगर आपको मेरा एक काम अभी करना पड़ेगा। क्या? भाभी की सुनी मांग में सिंदूर भरना पड़ेगा। लाल चिड़िया उड़ ना जाए तू, उड़ ना जाए तू, उड़ ना जाए। चाचा, चाचा, वो आदमी कौन है जिनकी झूठी गवाही से भैया को जेल हुई? गवाही? जेल? तू क्या कह रहा है, तुझे सब कुछ पता चल गया? हाँ चाचा, चाचा मैं भैया को मिलकर आया हूं। अगर उन्होंने अपनी कसम नहीं दी होती चाचा, तो मैं तुम्हें इस झूठ की इतनी बड़ी सजा देता कि तुम जिंदगी भर याद रखते। मैं जानता था पुत्र, एक दिन तेरे को पता चल जाएगा, लेकिन रब दिसो मैं इतना बड़ा झूठ सिर्फ तेरी भलाई वास्ते बोलिया। मुझे सिर्फ उन लोगों का पता बता दीजिए जिन्होंने भैया के खिलाफ झूठी गवाही दी थी। गवाह तो बड़े सारे सी, लेकिन खास गवाह वो चार पुलिस वाले सी जो साहब जी के साथ उस वक्त ड्यूटी कर रहे थे। चाचा, तुम्हें उन लोगों का नाम मालूम है? देख, ऐ चार पुलिस वाले सी, लेकिन आ चारों मर चुके आगे। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की थी, अरे कोर्ट कचहरी के चक्कर में सब कुछ बिक गया, लेकिन साहब को 80 लोग जेल से नहीं निकाल सके। विक्की पुत्र, 80 लोग हार गए, 80 लोग हार गए। हम तो सिर्फ वाहेगुरु कोई रास्ता कर दे। बटर अंकल, ये देखो 12 साल के बाद अपुन का बाप का चिट्ठी आया है, वो जिंदा है। क्या? डैडी बहुत बीमार है, चिट्ठी में लिखा है आखिरी टाइम है, मिलने को आओ, गोवा जाना पड़ेगा अंकल, प्लीज प्लीज तुम हमारे साथ चलो ना। मैं? तू एक काम कर, तू विकी को ले जा। प्लीज विकी, आखिरी टाइम में डैडी तुमको देखेगा तो खुश हो जाएगा, प्लीज चलो ना।
प्लीज विकी। फादर फॉरगिव हिम फॉर ऑल हिज सिंस इन द नेम ऑफ द फादर द सन एंड द होली स्पिरिट। डैडी। आमेन। सारा माय चाइल्ड। डैडी डैडी ये क्या हाल हो गया तुम्हारा? सब हमारे पापों का फल है। हमने पैसे का लालच में एक ऐसा काम किया जिसके लिए गॉड हमको कभी माफ नहीं करेगा। फिर मौत का डर से हम तुमको अकेला छोड़कर इधर भाग कर आए। अगर हम उधर रहता तो वो हमको भी मार डालता। तुमने ऐसा क्या किया डैडी? हमने एक देवता जैसा इंसान अविनाश वर्मा के खिलाफ झूठा गवाही दिया था। एसीपी अविनाश वर्मा? हाँ, हमने उस भले आदमी को फंसाया था। तुम जानते हैं उसको? वो मेरे भाई है। तुम्हारा भाई? और वो अब तक जेल में है। अगर तुम गवाही दे दो कि वो निर्दोष है तो वो तुम्हारे बयान से जेल से छूट जाएंगे। तुम्हें मेरे साथ बंबई चलना होगा। नहीं सन, इतना टाइम नहीं हमारे पास। अच्छा हो गया तुम आ गए। तुम हमको पहन दो। हम जॉन डिसूजा ये इकरार करता है कि अविनाश वर्मा बेगुनाह है। हमने पैसा का लालच में झूठा गवाही दिया था और वो सब लड़की को हमने मारा। डैडी, सर आप मुझे सलूट ना करें। आपका ओहदा मुझसे बड़ा है। आज सारी पुलिस फोर्स आपके सामने छोटी पड़ गई है सर। इंसाफ करने वालों ने जो नाइंसाफी की है वो गलती सुधारी तो नहीं जा सकती, मगर आपसे माफी तो मांगी जा सकती है। सर ये आपके पेपर है, कल आपको डीआईजी की हैसियत से चार्ज संभालना है। एसीपी से डीआईजी, ये तरक्की है या मेरी जिंदगी के सालों की कीमत? ये आपका हक है सर। अगर आज आप फोर्स में होते तो आईजी होते। मुझे तरक्की नहीं चाहिए, मुझे मेरी एसीपी की वर्दी चाहिए और मुझे उसी एरिया का चार्ज चाहिए जहां मेरी गिरफ्तारी हुई थी। मैं जिंदगी की उसी मोड़ पे वापस जाना चाहता हूं जहां मेरी रघु से मुलाकात हुई थी। देखिए तुमने कितनी देर कर दी, जल्दी कर मंदिर जाना है। आज मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है भाभी, भगवान खुद घर पे आ गए हैं। गुरु दी मेहर। बापू बापू मालूम है अविनाश जेल से छूट गया और उसे एसीपी का ओहदा भी वापस मिल गया। हाँ मालूम है। मालूम है तो बैठे क्यों, कुछ करते क्यों नहीं? मैं सोच रहा हूँ कि पहला हमला कौन करेगा, अविनाश या हम? हम करेंगे, हम उनके जीवन की खुशियों में आग लगा देंगे। ठीक है तू जा और विक्की को बुला के ला। तुझे यहाँ इसलिए बुलाया कि तू चार दिन से आया नहीं है, भैया को तो उससे जरूरी काम है। चल अब मुझे रघु के काम की जरूरत नहीं है। तुझे धर्म निवास वापस नहीं चाहिए? धर्म निवास का असली मालिक आ चुका है, वो उसे खुद हासिल कर लेगा। तू जाकर कह दे रघु से कि अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। मक्खन सिंह। हां जी। तुझे मेरा एक काम करना होगा। अजी बाबूजी आप हुक्म करो, सब तुन्ना तुन्ना ही है। आपके छूटने की खुशी में मक्खन सिंह अपनी जान दे सकता है। हुकम करो हुकम करो। ये ले और रघु के घर के सामने से गोलियां चलाता हुआ निकल जा। अच्छा साहब जी है? लेकिन साहब जी ऐ तो नकली है, खिलौना है। मैं भी एक खेल खेल रहा हूँ मक्खन, और मुझे यकीन है इस खेल में रघु जरूर फंस जाएगा। अरे भैया मैंने पहले ही कहा था कि विक्की नहीं आएगा, अब वो हमारा आदमी नहीं रहा, वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन का भाई है। उठो कंजरो, साले काहे के बॉडीगार्ड हो तुम लोग, यहाँ पर छिपने के लिए रखा है? जाओ जाकर पता करो किसने गोली चलाई है। मां कसम से भैया, भैया पुलिस। हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमने फायरिंग की आवाज सुनी, वो कौन था जिसने आप पर गोली चलाई? अगर मालूम होता तो तू यहाँ नहीं होता, उधर होता उसकी लाश उठाने के लिए। आप हमें अपने दुश्मनों के नाम लिखवाइए,
हमारा कोई दोस्त नहीं है। देखिए पुलिस आपकी मदद करना चाहती है। पुलिस की मदद की जरूरत कमजोरों को होती है। तू जा। नहीं रघु, पुलिस का काम है लोगों की हिफाजत करना। रघु जी की हिफाजत का पूरा बंदोबस्त करो चौहान जी। इस मकान के चारों तरफ पुलिस बिठा दो। किसी भी ये बंदोबस्त की कोई जरूरत नहीं। हम अपनी रक्षा करना जानते हैं। हम नहीं चाहते कि आप कानून को अपने हाथ में लें। और फिर दुश्मन अनदेखा है, अनजान है, कभी भी कहीं से भी हमला कर सकता है। हम नहीं चाहते कि आप खामखा मारे जाए। चौहान। यस सर। तुम 24 घंटे रघु जी के साथ रहोगे और इस बात का खास ख्याल रखना कि यहां से कोई भी अजनबी अंदर ना आने पाए और ना अंदर से बाहर जाने पाए। यस सर। भैया हम धंधा कैसे करेंगे? अविनाश ने तो हमें हमारे घर में कैदी बना दिया, वो भी बगैर किसी जुर्म के। हेलो 6208709 6208709। यस एसला। यस इंस्पेक्टर चौहान स्पीकिंग। इंस्पेक्टर रफीक, रघु के घर पुलिस। क्या पुलिस? तुम एक काम करो, सबको खबर कर दो रघु के घर की तरफ कोई न जाए। अपनी पिस्तौल का कमाल जानते हो मक्खन? नकली पिस्तौल से रघु मर गया क्या? नहीं मरा नहीं, फंस जरूर गया है। अब वो और रॉकी बुरी तरह तड़प रहे हैं। अब वो कोई गलती जरूर करेगा। और डार्लिंग तुम जानती नहीं हो मैं तुम्हारे लिए दो दिन से कैसे तड़प रहा हूँ। तुम मिले नहीं तो मैं इतना परेशान था, मुझे तो नींद आनी बंद होगी डार्लिंग। तुम्हारे बगैर मुझे मजा ही नहीं आता। तुम क्या कर रहे हो? ड्यूटी कर रहा हूं साहब। इसी भी साहब का हुक्म है आपको अकेले नहीं छोड़ने का। क्या कर रहे हैं यहां पर? ड्यूटी कर रहा हूं साहब। चल बाहर चल, मुझे नहाना है। मैं बाहर नहीं आ सकता। मगर मैं तेरे सामने नहाऊं कैसे? आप कोई छोकरी थोड़ी है साहब जो इतना शर्मा रहे हैं। तो तेरा मतलब यह है कि मैं मर्द हूं इसके लिए तेरे सामने नंगा ना हूं? नहीं साहब। तो मेरा मतलब ये नहीं। तो अगर आपको ज्यादा शर्म आ रही है तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, मगर मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। ये एसीपी साहब का हुक्म है। एसीपी, तू ये जो कुछ भी कर रहा है मां कसम अच्छा नहीं कर रहा है। मैं तेरी चाल समझ गया हूं। तू मुझसे अपना बदला लेना चाहता है। अगर मुझे बदला लेना होता रघु तो तुझे पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देता, बल्कि तेरा अनजान दुश्मन को आराम से तेरा खून करके चले जाने का मौका देता है। ए, चाय देने से पहले किसी ने चेक किया? नो सर। नो सर, एक आदमी की जान को खतरा है और यहां किसी को परवाह ही नहीं। अगर चाय में जहर मिला हो तो? जहर? मैं देख लेता हूं, तू एक मिनट है। ठीक है ले, पी ले, पी ले। एसीपी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। अगर तू मर गया रखू तो मैं फांसी किसको दिलवाऊंगा? भैया पता चला थॉमसन आज माल लेके क्लब आ रहा है, अब क्या होगा? थॉमसन आ रहा है? कोई बात नहीं, मैं खुद उससे मिलने क्लब जाऊंगा। तू एक काम कर, अपने आदमियों से बोलना बाहर गाड़ी तैयार रखे। लेकिन अविनाश को पता चल गया तो? चले दे। हेलो सर, आज रात रघु खुद माल लेकर थॉमसन से मिले क्लब जा रहा है। जल्दी हुई चिंगारी, जल जल
घबराने की कोई बात नहीं, एसीपी अविनाश वर्मा, खोल के देख अंदर क्या है। कभी ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। रघु ने विकी के एक एक जुर्म की तस्वीर मुझे दी है ममता, ये तस्वीरें झूठी नहीं हो सकती। मेरा विश्वास भी झूठा नहीं हो सकता, मैंने विकी को बचपन से लेकर जवानी तक देखा है, वो कुछ भी कर सकता, अपनी भाभी को धोखा नहीं दे सकता। ये जरूर उसे फंसाने के लिए रघुनाथ की साजिश है। हाँ साजिश है, यही वो साजिश है जिसके डर से मैंने अपनी मौत का नाटक किया, अपने जीते जी तुम्हें विधवा बनाया। क्यों दी थी मैंने ये कुर्बानी, क्यों उठाई थी तुमने ये तकलीफें? क्या इसलिए कि जब मैं घर वापस लौट कर आऊं तो ये तस्वीरें मेरा स्वागत करें? नहीं ये झूठ है, ये सब झूठ है। नहीं भाभी ये सब सच है, सच वही है भाभी जो इन तस्वीरों में है। आज तक मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था। तूने ऐसा क्यों किया विकी, तूने ऐसा क्यों किया? मुझे धोखा दिया, उस भाभी को जिसने तेरे सपने सजाने के लिए अपनी सारी नींदें गवा दी। मैं मां नहीं बनी विकी कि कहीं तेरा हक न छिन जाए, और तूने मुझे ये सिला दिया। तूने ऐसा क्यों किया बता, तूने ऐसा क्यों किया विकी बता, क्यों किया? ममता मुझे माफ कर दो अविनाश,
मैं तुम्हारी अमानत की हिफाजत नहीं कर सकी। विकी, मैं और कुछ नहीं जानना चाहता, सिर्फ ये बता दो तुमने ऐसा क्यों किया। आप अपनी ईमानदारी का मेडल अपने सीने पे लगाए जेल चले गए। क्या सोच कर गए थे आप कि एसीपी अविनाश वर्मा जैसा शरीफ अफसर की बीवी और भाई को दुनिया सर आंखों पर उठाएगी। आपकी ईमानदारी बचाने के लिए हमारा घर बिका, भाभी के जेवर बिके, आपके सारे मेडल बिक गए और एक दिन आपका भाई भी बिक गया। जब मैंने भाभी को मेहनत की चक्की में पिसते हुए देखा तो मुझे लगा कि मैं ही भाभी पर सबसे बड़ा बोझ हूं, तो मैंने अपने बोझ को भाभी के कंधों से उतार कर बाजार में बेच दिया। डिग्री मिलने के बाद बहुत इंतजार किया एक नई सुबह का, पर ऐसा लगता था कि हमारी किस्मत में सिर्फ काली रात ही लिखी है। इसलिए मैंने खुद आसमान को चीर कर अपने हिस्से की रोशनी छीन ली। मैंने जो कुछ भी किया मुझे उसका अफसोस नहीं, अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि अनजाने में मैं उन हाथों का खिलौना बन गया जिसकी वजह से हमारा घर बर्बाद हुआ, और उसका बदला मैं रघु से जरूर लूंगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। देखिए, तूने ये सब कुछ मेरे लिए किया है ना, आज एक आखिरी काम और करते, मेरे लिए अपने आप को कानून के हवाले कर दे। भाभी, धर्म के रास्ते पे चलने के लिए हमने बहुत बलिदान दिए हैं, आज तेरी बारी है। बोल, अपनी भाभी के लिए ये काम करेगा ना? भाभी, मैं तुम्हारे लिए अपने आप को कानून तो क्या, मौत के भी हवाले कर सकता हूं। भैया, मैं अपने आप को कानून के हवाले कर रहा हूं और भाभी को तुम्हारे। आज तक भाभी तुम्हारी अमानत की तरह मेरे पास थी, लेकिन आज आज मेरी अमानत की तरह तुम्हारे पास रहेगी। मेरी भाभी की हिफाजत करना, और एक बात याद रखना भैया, अगर उन लोगों ने मेरी भाभी को कुछ भी किया तो फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना वो, ना तुम और ना तुम्हारा कानून। रघु, आज अगर मेरा वो पाखंडी भाई जिंदा होता तो मैं उसे बताता कि धर्म की बातें करने का अंजाम क्या होता है। आज उसका एक बेटा जेल में है, पूरा परिवार बर्बाद हो गया है उसका। बापू, आप इस वक्त कहां जा रहे हैं? बेटा, युद्ध शुरू होने वाला है, मैं अपने सारे शस्त्र इकट्ठे करने जा रहा हूं। रघु, मैं प्रताप को लेने जा रहा हूं। प्रताप मेरा दुश्मन? तेरा सौतेला भाई। भाई? हाँ, जवानी की भूल जो बुढ़ापे में काम आएगी। तुम यहां किस लिए आए हो? मैं तेरा गुस्सा ये बता रहा है कि तू अभी तक मुझे भूला नहीं। एक ऐसे आदमी को जिसकी वजह से मेरी सारी जिंदगी एक गंदी गाली बन के रह गई है, उसे कैसे भूल सकता हूं? जवानी ने जो जुर्म किया था, बुढ़ापा उसकी सजा भुगतने को तैयार है। तू जो जी चाहे मुझे सजा दे, सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दे। माफ कर दे बेटा। बेटा, माफ कर दूंगा, लेकिन क्या तुम सारी दुनिया के सामने कहने के लिए तैयार हो कि मैं तुम्हारा बेटा हूं? हां, तू है मेरा बेटा। और सुन, मैं तुझे सिर्फ अपना नाम ही नहीं, अपनी जायदाद में से भी हिस्सा दूंगा, रघु और रॉकी के बराबर हिस्सा दूंगा। तू चल मेरे साथ, आज मुझे तेरी जरूरत है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? जो एक बेटा अपने बाप के लिए करता है, मैं चाहता हूं कि रघु, तू और रॉकी एक हो जाएं और मिलकर उस अविनाश और विकी का मुकाबला करें, बर्बाद करते हैं उन्हें। मक्खन सिंह, तुम समझते क्यों नहीं? इस तरह अगर घर बेचकर विकी की जमानत दोगे तो तुम रहोगे कहां? कहीं पर भी रह लेंगे, सड़क पर सो जाएंगे, लेकिन अपने पुत्र विकी को जेल में रहने नहीं देंगे। वकील साहब, तुम इस जमानत के कागजात तैयार करो, मुझे विकी को लेकर जाना है अपनी भाभी के पास। आप? समय की धूल ने चेहरा धुंधला कर दिया बहू, मगर दिल नहीं बदला।
और से देख पहचान। जगन्नाथ चाचा? हाँ बहू, आज यहां आना ही पड़ा, क्योंकि जब एक शरीर के दो हिस्से हो जाए और दोनों हिस्से आपस में एक दूसरे को मिटाने लगे तो मन शांति से नहीं बैठ सकता। मेरे बेटों और भतीजों के बीच जो हो रहा है उसे देखते हुए तो मैं चिता पर भी चैन से नहीं लेट सकता। मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी मेरे परिवार में सुलह हो जाए, सब भाई आपस में मिल जाए, मेरा परिवार फिर से एक हो जाए। बहू, जिस आदमी की वजह से मेरे पति ने आधी उम्र जेल में काट दी, विकी कुंडा बन गया, हम उससे सुलह की बात सोच भी नहीं सकते। मैं जानता हूं बहू, जानता हूं। रघु ने जो कमीनी हरकत की है मैं जानता हूं, मैं उसी का प्रायश्चित करने आया हूं तेरे पास। बहू, अगर तू चाहेगी ना तो सब कुछ ठीक हो सकता है, ये खून खराबा बंद हो सकता है, वरना किसी ना किसी की जान चली जाएगी। बहू मेरी बात सुन, अविनाश से मुझे माफी दिला दे, मैं तुझे धर्म निवास दिलवा दूंगा। हाँ, विकी को बेगुनाह साबित करवा दूंगा, वादा करता हूं मैं। सोच मत बहू, सोच मत, तू चल मेरे साथ, मैंने अविनाश और रघु दोनों को वहां बुलाया है। चल चल बहू। ममता, अविनाश की बीवी, बापू तुम इसे यहां क्यों लेकर आए? जमानत है, ये जमानत है इस बात की कि हमारे दोनों बदमाश भतीजे वही करेंगे जो हम चाहेंगे। चाचा जी, आपको शर्म नहीं आती मुझसे छल करते हुए? बहू, इसके सिवा आज तक मैंने कुछ नहीं किया। ए, ले जाओ इसे, आहिस्ता, बहू है हमारी। बेटा जाओ और बस्ती से छोटी बहू को भी उठा लाओ। ये छोटी बहू कौन है पिताजी? सारा, विक्की की महबूबा। अरे, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो। विक्की, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब इस जाल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तू मुझे रघु के बारे में सब कुछ बता दे, तुम्हारी सजा भी कम हो जाएगी और हमारी खानदानी दुश्मनी भी। नहीं साहब जी, हमें आपकी दया की कोई जरूरत नहीं आएगी। अरे विकी दी जमानत। जमानत? तेरे पास पैसे कहां से आए? बेच दिया, मैंने अपना घर बेच दिया। अरे मक्खन सिंह कैसे बर्दाश्त करे कि वो अपने कार में सोए और उसका पुत्र यहां जेल में? देखो माखन। अरे मेरे को कुछ नहीं सुनना वरना। खूब निभाई यारी, खूब निभाई, मेरी पुत्र को पकड़ के जेल में बंद कर देता। वाह, अरे पकड़ना तो उस फ्रॉड 420 रघु को पकड़ जो खुले आम सड़कों में घूमता फिरता है, मेरे पुत्र को जेल में बंद कर देता है। चल पुत्र चल, घर चले चल। नहीं चाचा, मैंने भाभी से वादा किया है कि मैं यहाँ जेल में ही रहूंगा। हेलो, हेलो एसीपी, ममता भाभी हमारे पास है। क्या? हाँ, अब तुम दोनों भाई मिलकर हमारे खिलाफ कुछ करना नहीं है? नहीं वरना क्या है, करोगे तुम और वरना बिचारी ममता भाभी को पड़ेगा ना। नहीं रघु, अगर ममता को कुछ। भैया भाभी को क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारा चेहरा बता रहा है भैया कि तुम झूठ बोल रहे हो। कहाँ है भाभी? रघु के कब्जे में। रघु? विकी, कहाँ जा रहे हो? भाभी को लेने। नहीं विकी, तुम नहीं जाओगे। मैंने तुमसे कहा था भैया कि अगर भाभी को कुछ हो गया तो तुम भी मुझे नहीं रोक सकते। ये रही मेरी जमानत। विकी, विकी रुक जा। जाने दो साहब जी, उन लोगों ने लक्ष्मण रेखा पार कर लेती है, हमारे घर की इज्जत पर हाथ डाला है, अब युद्ध शुरू हो चुका है, ऐसा फैसला हो जाने दो। आखिर रघु ने ममता को रखा कहां होगा? एसीपी साहब, मैं बताता हूं। कौन हो तुम? मैं प्रताप हूं, रघु का दुश्मन। मैं रघु के बारे में सारी खबर रखता हूं, उसने आपकी पत्नी को लाक्ष निवास में रखा है। मेरी भाभी कहां है? देख विकी, अगर तूने यहां कुछ भी किया तो वहां तेरी भाभी की जान चली जाएगी। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं विकी, गुस्सा नहीं। देख,
हम लोग एक ही परिवार के लोग हैं, इसलिए आपस में झगड़ने से क्या फायदा। तू हमारा एक काम कर दे, लाक्ष निवास में हमारा एक दुश्मन है प्रताप, तू लाक्ष निवास को ही उड़ा दे, हम तुझे तेरी भाभी वापस कर देंगे। सोच नहीं विकी, तेरे पास दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। इस बैग के अंदर डायनामाइट रखा है, ले जाके लाक्ष निवास को उड़ा दे अगर तुझे अपनी भाभी चाहिए तो। कमॉन कमॉन। ए, इसके ऊपर निगाह रखना, देखना कोई होशियारी ना करे। रॉकी, काम हो गया है, अविनाश लाक्ष निवास गया है ममता को बचाने, और विकी लाक्ष निवास गया है उसे उड़ाने। आज तो भाई भाई की जान लेगा। विकी अभी तक आया क्यों नहीं? एक बंगला उड़ाने में इतनी देर तो नहीं लगती? विकी जिसको उड़ाने गया है वो चुटकी से टूटने वाला चना नहीं, हालात का बना है। अगर डायनामाइट से भी उड़ जाए तो समझ लो लंका जीत ली। आप लोग यहाँ बैठ के विकी का इंतजार करो, मैं गोडाउन में जाके सारा के साथ सुहागरात मना के आता हूँ। जाओ ऐश करो जाओ। प्रताप तू जा और भाभी को भेज। रघु सेठ, तेरा काम हो गया है रघु, मैंने लक्ष्य निवास को उड़ा दिया, सब खत्म हो गया है। विकी, भाभी, अब तू मेरी भाभी को छोड़ दे रघु, चलो भाभी घर चले। रुक जाओ विकी, अगर तूने मेरी भाभी को कहा तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा। कि बेटे, तू जिसको लक्ष्य निवास में मारकर आया वो प्रताप नहीं था, तेरा भाई था अविनाश। नहीं, ये झूठ है। भाभी, अब तुम सचमुच विधवा हो गई हो, और विधवा को मंगलसूत्र की क्या जरूरत होती है? मंगलसूत्र दे दो मुझे। रघु, ये तूने कैसे सोच लिया कि विकी प्रताप के धोखे में मुझे मारेगा? हम भाई भाई मिल चुके हैं तुझे खत्म करने के लिए। ममता, तुम्हें जा। प्रताप, एसीपी साहब, पिस्तौल फेंक दो वरना खून से जमीन लाल कर दूंगा। ये मेरा भाई है, सौतेला भाई। प्रताप क्या देख रहा है, मार दे साली को। माफ करना भाभी, बड़े भाई का हुक्म है, मानना तो पड़ेगा ही। ओए, जब हाथ में बंदूक हो और सामने दुश्मन खड़ा हो तो डायलॉग नहीं बोलते, गोली चला देते हैं, समझा? मक्खन। हाँ जी वड्डे पाजी, वाहे गुरु का नाम लेके तुसी उथे शुरू हो जाओ और मैं एथे। भाभी, ओ तू भाभी की चिंता ना कर, सारा को ढूंढ, वो खतरे में आएगी। मार डाले दोनों भाइयों को, मिटा दे पड़े भैया के बच को। बंदूक विकी।
रंग पतला है। अरे तेरे को मारूंगा तो गाँव में मेरी नाक कट जाएगी। तू एक काम कर, तू जाके दूध दूध पी कर आ, बाद में आता हूँ दूध पी के। जल्दी तुन्ना तुन्ना ओ तुक तुक तुन्ना ओ तुन्ना तुन्ना ओ तुक तुक तुन्ना ओ ठहर ओ तुन्ना तुन्ना ओ प्याली अल्लाह जा ओ तू अंदर जा, मैं तेरे वास्ते ग्राहक भेजता हूँ। ओ कुट्टा कुट्टा तेरी पहल का है। ओ कुट्टा मार, अभी कभी तैयार। हेलो मैं तेरी मारी कर जा। निवास चाहिए ना, गेरा तेरा धर्म निवास मेरे जूते में। मेरे घर की चाबी है, तूने अपने पैरों में बांधी थी। हाँ मुझे माफ कर दे। पिताजी 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 रुकिए। पप्पू नहीं, पप्पू नहीं, नहीं बेटा, लगो, है, लगो। तुम लोगों ने मेरी औलाद को मार दिया, खत्म कर दिया सबको। अरे मुझे क्यों छोड़ दिया, मार डाल मुझे, मार डाल। नहीं चाचा जी, अपने बेटों को मारने वाले आप खुद हैं। आपकी लालच, आपका स्वार्थ, आपके अधर्म ने छीना है आपकी अपनी औलाद को। आपने अधर्म के जरिए धर्म को जीतने की कोशिश की, मगर अधर्म कभी नहीं जीत सकता चाचा जी। अंधेरा आज तक उजाले को न मिटा सका है, न मिटा सकेगा। मुझे समझाती है? अरे मैंने अपने बाप की नहीं सुनी, अपने बड़े भाई की नहीं सुनी, अपनी औलादों तक की नहीं सुनी मैंने। मैं हार गया, लेकिन किसी और को जीतने नहीं दूंगा। अगर धर्म निभा तो मैं नहीं रहूंगा तो कोई और भी नहीं रहेगा। चलो भाभी घर चले। आई बहारें उजड़े चमन में, खुशियां लौटी इस जीवन में।